हेलो दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है जेके स्टडी चैनल में। तो आप सभी को कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अपना ध्यान दे रहे होंगे। तो जैसा कि आज का जो वीडियो है हम सब लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि ये जो आप चित्र में देख रहे हैं ये स्कूल है। जैसे आप सभी को पता है, ये स्कूल जो है चित्र के माध्यम से ये पता चल रहा है कि ये कोई एक पहाड़ी क्षेत्र पे ये स्कूल का निर्माण किया गया है। और ये जो स्कूल है कोई आम स्कूल नहीं है, क्योंकि ये जो स्कूल है इसके माध्यम से हमारी देश की सुरक्षा की जाती है। तो ये स्कूल एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो इस स्कूल के बारे में हम सबों को काफ़ी जानना अति आवश्यक है। और आप सबों को बताते चलूँ, इस स्कूल का जो संचालन किया जाता है, इस स्कूल का जो निर्माण किया गया है वो हमारे देश की सेना, भारतीय सेना के माध्यम से किया गया है। और वो इसकी स्थापना हुई है सन 1948 ईस्वी में, मतलब हमारे देश की जो आज़ादी हुई है उसी के एक साल बाद इस स्कूल का निर्माण किया गया है। तो चलिए जानने का प्रयास करेंगे आज के स्कूल के बारे में, ये क्या स्कूल है, ये स्कूल इतना खास क्यों है। तो इस सब के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग वीडियो में नए हैं वे लोग जरूर जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और जो चैनल में नए हैं वे भी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को स्कूल देखे चित्र के माध्यम से, तो ये जो स्कूल है इस स्कूल का नाम है आपका हाई एल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल, ठीक है। और ये जो स्कूल है वो आपका भारतीय सेना का एक रक्षा सेवा प्रशिक्षण और अनुसंधान प्रतिष्ठान है। तो इस स्कूल के माध्यम से भारतीय सेना को रक्षा सेवा प्रशिक्षण दिया जाता है और यहाँ पे रिसर्च कार्य भी कराए जाते हैं। सन 1948 में भारतीय सेना ने गुलमर्ग में एक स्की, ठीक है, स्कूल का नाम है स्की, स्कूल की स्थापना की, जो बाद में हाई एल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल बन गया। मतलब सन 1948 ईस्वी में इस स्कूल का निर्माण किया गया भारतीय सेना के माध्यम से, और उस वक्त पे इस स्कूल को स्की स्कूल के नाम से जाना जाता था, लेकिन यही स्कूल का नाम परिवर्तन करके बाद में हाई एल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल रख दिया गया। और इस स्कूल के माध्यम से बर्फ शिल्प और शीतकालीन युद्ध में माहिर कराया जाता है इस स्कूल के माध्यम से। और यह एक ऐसे क्षेत्र में स्थित है जहाँ हिमस्खलन का खतरा रहता है। आप सभी को पता है हिमस्खलन क्या होता है। हिमस्खलन का जो क्षेत्र है वहीं पे इस स्कूल का निर्माण किया गया है। और इस स्कूल में अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और अन्य देशों से चयनित सैनिक विशेषज्ञ प्रशिक्षण के लिए नियमित रूप से आते हैं। तो इस स्कूल में ना सिर्फ भारत से बल्कि अन्य देशों से भी सैनिक यहाँ पे आके प्रशिक्षण का कार्य प्राप्त करते हैं। और जैसा आप सभी को यहाँ पे चित्र पे देख रहे हैं, यह है स्कूल का चित्र, और ये पूरी रीति से पहाड़ी क्षेत्र से घिरा हुआ है, इसलिए यहाँ पे कहा गया कि ये जो स्कूल है वो हिमस्खलन के खतरे वाले क्षेत्र पे इस स्कूल का निर्माण कराया गया है। और जैसा आप सबों को पता है ये स्कूल जो है वो एक रक्षा सेवा प्रशिक्षण संस्थान है, मतलब डिफेंस सर्विस की यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है। और स्कूल का जो निर्माण है वो आपका 11 दिसंबर 1948 ईस्वी को कराया गया। और यह जो स्कूल है वो गुलमर्ग जो जम्मू कश्मीर में है उस स्थान पे ये स्कूल का निर्माण कराया गया है। तो चलिए अब हम लोग इसके इतिहास के बारे में भी कुछ जान लेते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ इतिहास होता है। संस्थान का इतिहास होता है, किसी मानव का इतिहास होता है, तो इसी प्रकार इस स्कूल का भी एक इतिहास है। तो चलिए हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। जैसे आप सबों को पता चल गया होगा इस स्कूल की स्थापना 1948 में की गई। तो 1948 में ही भारतीय सेना के हाई एल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल के जन्म के सीधे तौर पे 1947 से लेकर 1948 के भारत पाकिस्तान युद्ध के स्कर्दू की घेराबंदी में पाकिस्तान के हाथों गिलगित बल्टिस्तान की हार के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, ठीक है। जब स्कूल का निर्माण कराना था
जब निर्माण कार्य शुरू भी नहीं हुआ था तो उससे पहले एक युद्ध हुआ, भारत पाकिस्तान युद्ध, जिसपे हमने गिलगित और बलूचिस्तान को खो दिया था। हमने हार यहाँ पे हुई और हमने इस क्षेत्र को खो दिया और पाकिस्तान ने इस क्षेत्र को अधिग्रहण कर लिया और उसी को हम लोग कहते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ठीक है, तो इस क्षेत्र पे उन्होंने कब्जा कर लिया। तो उसी के बाद से इस स्कूल का निर्माण कराया गया और इसका निर्माण का हार जो हुआ उसका जिम्मेदार ठहराया भी गया था। तो उसी के कारण इस तरह के स्कूल का निर्माण कराया गया ताकि आने वाले समय में इस तरह की घटनाएं ना हो और हमारे जो सैनिक है वो किसी भी परिस्थिति पे हमेशा खड़े रह सके। तो ये जो स्कूल है उसकी स्थापना आपका दिसंबर महीना में 1948 में किया गया और इसके निर्माण का जो श्रेय जाता है वो जनरल के एस थिमैया, जनरल के एस थिमैया को जाता है। और उस वक्त जो के एस थिमैया जो हैं वो ब्रिगेडियर के रूप में पद पे आसीन थे। तो यह जो स्कूल है शुरू में 19 इन्फ्रेंट्री डिवीजन इसकी स्कूल के नाम में जाना जाता था, लेकिन सन 1949 से 50 में सर्दियों के दौरान, ठीक है, इस स्कूल को एक कमांड प्रतिष्ठान के रूप में परिवर्तित कर दिया गया, उसका नाम परिवर्तन कर दिया गया और इसका नाम बदल करके विंटर वारफेयर स्कूल कर दिया गया। ठीक है, 1949 से लेके 1950 के बीच में। फिर बात आती है 8 अप्रैल 1962 की, तो इस स्कूल को श्रेणी ए के प्रशिक्षण प्रतिष्ठान के रूप में अपग्रेड किया गया और इसी वक्त इस स्कूल का नाम को परिवर्तन करके हाई एल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल रख दिया गया। तो ये सारी बातें थी इतिहास के माध्यम से। तो चलिए अब हम लोग जानेंगे प्रशिक्षण, यहाँ पे क्या क्या ट्रेनिंग दी जाती है, किस तरह का ट्रेनिंग कराया जाता है, तो वो सारी बातों को। तो इस स्कूल के माध्यम से दो तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं, पहला है माउंट वेयरफेयर कोर्स और दूसरा है विंटर वारफेयर कोर्स। ठीक है, हर एक कोर्स का कुछ ना कुछ महत्व होता है, हर एक कोर्स के अंदर में अलग अलग तरह के प्रशिक्षण कराए जाते हैं। तो इस सारी बातों को यहाँ पे देखते हैं। आपका माउंट वारफेयर कोर्स जो है आपका मई और अक्टूबर के बीच पे सोनमर्ग में कराया जाता है। ठीक है, माउंट वारफेयर कोर्स जो है वो वर्ष के मई और अक्टूबर के बीच में कराया जाता है और वहीं पे विंटर वारफेयर कोर्स है जो दूसरा कोर्स है वो जनवरी और अप्रैल माह के बीच पे गुलमर्ग में इसका आयोजन कराया जाता है। और ये जो दोनों पाठ्यक्रम जो है वो कर्मियों को उच्च ऊंचाई वाले युद्ध, काउंटर इंटेलिजेंस और उत्तर जीविता कौशल के लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है, ये दोनों कोर्स के माध्यम से जितने भी कर्मी लोग होते हैं, जितने भी सैनिक होते हैं, तो उन लोगों को उच्च ऊंचाई वाले युद्ध, काउंटर इंटेलिजेंस और उत्तर जीविका कौशल से उन्हें डेवलप्ड कराने का प्रशिक्षण दिया जाता है। वहीं पे जोजिला के पार एक मोचाई में बर्फ शेल्फ सिखाया जाता है। ठीक है, इस तरह से तीन यहाँ पे बातों को हम लोग देखते हैं इन पाठ्यक्रम के माध्यम से। पहला जो है वो ऊंचाई में जो क्षेत्र पे युद्ध होते हैं वहाँ पे उनको ट्रेंड कराया जाता है, दूसरा है वो काउंटर इंटेलिजेंस पर उनको ट्रेनिंग दिया जाता है और तीसरा है उसके उत्तर जीविता कौशल, मतलब उनका जो कौशल है, उनका स्किल है, उसको डेवलप कराने के लिए यहाँ पर ट्रेनिंग दिया जाता है और चौथा जो है वो आपका बर्फ शिल्प यहाँ पे उन्हें सिखाया जाता है। और इन सारे ट्रेनिंग के माध्यम से जो सियाचिन ग्लेशियर जो है वहाँ पे सीमाओं पर अन्य ऊंचाई वाले अग्रिम चौकियों पर तैनात सेना के जवान इन पाठ्यक्रमों से गुजर पाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जितने भी सियाचिन ग्लेशियर और हिमालयी सीमाओं पर जितने भी हमारे सैनिक सुरक्षा के लिए खड़े रहते हैं तो उन सारे क्षेत्रों पे इन सारे ट्रेनिंग से उन्हें गुजरना पड़ता है। वे इस तरह के ट्रेनिंग से प्राप्त करते हैं और वे इतनी ठंड में माइनस की डिग्री पे वहाँ पर टेम्परेचर रहता है, वहाँ पे वे बिना निडरता के साथ पोस्टेड रहते हैं और हर एक परिस्थिति पे वे हमेशा देश की सुरक्षा के लिए खड़े रहते हैं। तो इसलिए इस तरह का प्रशिक्षण कोर्स कराया जाता है ताकि
हमारे इंडियन आर्मी के जवान हैं वो मेंटली रूप से फिजिकली रूप से स्ट्रोंग बन पाते हैं। तो ये सारी बातों को यहाँ पे हम लोग प्रशिक्षण के रूप में देखते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। तो इस वीडियो का मकसद ही था कि इस स्कूल के बारे में आप सबों को बताना, क्योंकि हम बहुत कई लोग हैं जो इस स्कूल के बारे में नहीं जान पाते हैं कि इस तरह के एक स्कूल भी मौजूद है जो हम सबों को, जो भी इंडियन आर्मी में प्रवेश करना चाहते हैं, देश की रक्षा के लिए सेना में शामिल होना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए इस तरह के स्कूल का निर्माण कराया गया है ताकि उन सबों को ऐसी ट्रेनिंग ही दी जाती है कि वे हर एक परिस्थिति पे, चाहे कोई भी परिस्थिति रहे, वे हमेशा खड़े रहते हैं और देश की रक्षा के लिए हमेशा आगे रहते हैं। तो ये सारी बातें थी। तो वीडियो आप सबों को कैसा लगा? वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो के द्वारा आप सबों को नॉलेज मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जो जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। तो चलिए, इसी के साथ आज के इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान दीजिए, सुरक्षित रहिए और खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।